भाटा टमाटर करेला बरबट्टी ढोड़का वाले हो गए 40 40 40। आ जाओ भाई टमाटर वाले। यह कितने का बेचा है ये देख सकते, बहुत दिन बाद लगभग एक महीने के बाद मेरे को इतना सारा मतलब धंधा हुआ है भाई साहब। इतना अच्छा मार्केट था कि क्या ही बोलूं। और ये जो पैसा है ना भाई ये है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? वापस से सभी को स्वागत है एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और आज के व्लॉग को बहुत ज़्यादा सुबह स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो है मैं जा रहा हूँ भाई, जो सब्जी बचा हुआ है ना कल के मार्केट का, उसको लेके बेचने के लिए। देख सकते हैं अपने डीलक्स में पिकअप कर लिया हूँ। करेला है, टमाटर है, भाटा है, बस 3 ही आइटम है। और मॉर्निंग देखो भाई, कालू भी अपना जॉगिंग कर रहे हैं। कालू ये देखो, तो चलो बेच के आते हैं जल्दी से। हे आलू, भाटा, करेला, टमाटर। भाई ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा जल्दी आ गया, सवेरे कोई उठा ही नहीं है। देखो पूरा खाली। तो भाई साहब अब यहाँ से निकल रहे हैं दूसरे मोहल्ले की तरफ। ये आलू, भाटा, करेला, टमाटर है भैया। आलू, भाटा, करेला, टमाटर। टमाटर 30 रुपए किलो, भाटा 30 और करेला भी 30, सब 40 वाला 30, एकदम सस्ता भैया। आन भौजी 30 रुपए किलो आवा। सब कैसे उठा पा? 40 छोड़े 70 और 30 का ए भाटा वाले, भाटा वाले एक किलो भाटा दे। अरे कसला है, ये भी निकाल, एक किलो भाटा। तो चलो गाइस बैगन को तल ले रहा हूँ मैं, फिर यहाँ से निकलते हैं घर। ये भाटा, टमाटर, करेला, मुनगा, बरबट्टी, ढोड़का है। तो गाइस फाइनली बेच के पहुंच गया घर। और यार कल जो मैं सब्जी लेके आया था ना, वो टोटल हम लेके आए थे 3600 रुपये का बना था, 3500 रुपये का सब्जी बना था और 100 रुपये का तेल, मतलब कि 3600 रुपये। तो 3600 का जो सामान था ना, उसको मैं कल और आज दो दिन मिला के भाई साहब बेचा मात्र 3770 रुपये का। ज़्यादा का नहीं हो पाया क्योंकि यार ऐसे कि बैगन जो है बच गया है, टमाटर थोड़ा ख़राब निकल गया और बहुत कम मार्जिन में सेल किया ना, उस वक्त बहुत कम प्रॉफिट हुआ कल, क्योंकि मार्केट डाउन था। मेरे को तो ऐसा लगा कि गया लॉस हो जाएगा करके, बारिश हो रहा था, तो मतलब बारिश की वजह से कम हुआ, नहीं तो अच्छा हुआ रहता। और देखते हैं आज जो है मार्केट कैसा रहता है। तो गाइस फाइनली देखो प्रदीप भाई साहब पहुंच गया, बढ़िया लेट करके आए भाई। और भैया चलो भाई साहब फिर निकल रहे अपन सब्जी मंडी के लिए। तो भाई साहब फाइनली पहुँच चुके अपन मंडी में और प्रदीप भाई के साथ ऑटो में आया था, बढ़िया लगा। चलो चलते हैं भाई साहब। ये देखो गोभी भाजी आया है और भाटा है, गोभी है, पूछते हैं क्या क्या रेट है भाई छोटे गोभी भाई। हाँ 100 रुपये किलो भाटा, और भाजी गोभी भाजी 10 रुपये किलो। देखते भाई भाजी का 10 रुपये किलो और गोभी का 30 रुपये किलो। आज सेव आया है यार, तखत की सब्जी मंडी में पहली बार। 50 रुपये दो, 50 रुपये किलो, कुछ कम लगाना यार। 50 रुपये किलो। देखो किसान बनकर आप मिर्ची का गाड़ी आया भाई। लोगों को जलने दो, बहुत भाव का गाड़ी चलने दो। उधर से देखो सेब जो है 50 रुपये किलो थोक में था, और इधर चिल्हर में 30 रुपये किलो सेब। प्रदीप भैया क्या लेगा? क्या लेंगे? नहीं अभी नहीं, जाते समय लेंगे भाई। 30 रुपये किलो सेब भाई, 30 रुपये किलो। भाटा काट दिया 30 रुपये किलो। कैट भाटा भैया, कैट भाटा 25 पटेल 20 लगा लो मेरे भाई, 20 कम हो जाएगा, लगा लो 20 लगा लो भैया। बोला भैया दे वाले भजिया दे। प्रदीप भाई को ना बहुत दिन हो गया कुछ खिलाया नहीं था। तो नहीं है भाई, लेकिन आप खिला रहे हो तो खा ले रहा हूँ। खा लो मेरे भाई, खा ले ना भजिया भजिया, खा ले मोर भाई, खा ले यार मोर तरस, खा ले भैया। कहा रे 22 लगाबे तेला बता, 15 का लगा नहीं आते ता 16 के
16 के, 17 के भाई साहब डोड़का ले लिया प्रदीप भाई और मैंने। तो भाई साहब देखो डोड़का खरीदा चाचा का, कत का दस चाचा सौ। अभी प्रदीप भाई का पलटन जो है निकल रहा है सब्जी मंडी तखतपुर से घर के लिए। देख सकते हैं पूरा तीन ही लोग का सामान है आज, मेरा और मामी का और प्रदीप भाई का, बस साथ में नाले। हाँ खपलांटू थोड़े हो रही। अरे नहीं खपलाए भैया, सुख सुख बोल, काहे खपलाएगा यार, नहीं खपलाना चाहिए भैया, आराम से ले जा। भाई जो बड़ी दूर से मिलने के लिए आया है यार, मतलब कहाँ से कहाँ बता रहे भाई? रायपुर से और 50 किलोमीटर दूर। रायपुर से और 50 किलोमीटर दूर से आया है। तो भाई के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया है, वो भी अपने लोकल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी में किया है भाई, क्योंकि भाई का चैनल है छत्तीसगढ़ी मोर मयारू चैनल। बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं Q&A कि भाई आपने कैसे स्टार्ट किया और कितना कमाते हो, तो जो सभी जानकारी है वो भाई के चैनल पर मिल जाएगी आप लोग को मोर मयारू, और छत्तीसगढ़ी में इंटरव्यू है, तो प्लीज़ यार ज़रूर देखना उसको, क्योंकि अपना इंटरव्यू लिया गया है तो मज़ा आएगा। बस यही था। और संगवारियों मोर नाम है गोकुल साहू, मैं रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर से मिले बार आया हूँ भाई से, और भाई के बहुत बढ़िया इंटरव्यू ले हैं, और बस बहुत जल्दी आने वाला है भाई के इंटरव्यू वीडियो है। जय जोहार, जय जय श्री। बहुत बढ़िया लगी भाई मोला छत्तीसगढ़ी, मतलब इंटरव्यू देहेला मिली से। तो भाई साहब फाइनली देखो प्रदीप भाई अभी फिर से पहुंच गया, अब सामान को जो है लोड करना है इसके गाड़ी पे, जो सब सामान यहाँ देख रहे हैं ना उसको, चलो जल्दी जल्दी डालते हैं भाई, निकालो इसको भाई साहब। हो गई है ना, चल चल भरे लगे भरना है। ये देखो इतना अच्छा पताल। बैठता हूँ प्रदीप भाई के बगल में, लेकिन प्रदीप भाई आज बगल में ना नानी को बैठा के रखा है भाई, मेरे को नहीं बैठाया है। तो भाई साहब फाइनली दुकान जो है लगा लिया है, बहुत मेहनत लगा यार आज, पहली बार बहुत दिनों के बाद इतना सारा सामान लाया हूँ ना कि क्या पूछना भाई। देख सकते हैं कांदा, भाटा, डोड़का, बरबट्टी, टमाटर, करेला, भाटा, पूरा भाई साहब भयानक लंबा है, देखो वहाँ से लेके यहाँ तक। देख क्या होता है, आ जाओ भाई टमाटर वाले, भाटा वाले, करेला वाले, ए भाटा टमाटर करेला बरबट्टी डोड़का वाले, हो गए 40 40 40। गाइस देखो 500 रुपए का बोनी हुआ है यार आज, तो एकदम गजब टाइप से, बहुत तगड़ा भाई साहब। आ जाओ भाई टमाटर वाले, हाँ ले जा भाटा 30 है, हो जाए 1 किलो हो जाए। भाटा वाले भाटा 30 हो गया, 40 रुपए एक नंबर भाटे ले दे दो। भाटा वाले 20 रुपए किलो भाटा।
आज तगड़ा मार्केट था भाई पूरा। एक नंबर लाइक कमेंट थोड़ा थोड़ा दबाना है ना पूरा पूरा भाई साहब। आज मार्केट ना बहुत तगड़ा था, देख सकते हैं पूरा सामान जो है निकल गया है। फाइनली सब सामान जो है लगभग खत्म कर दिया है, फिर बैगन बस बच गया मेरा थोड़ा सा। चलो फिर गाइस निकलते हैं यहाँ से घर। बहुत ज्यादा तो थकान लग गया भाई, तौलते तौलते मजा आ गया फुल माहौल। चलो भाई चलो चलो मेरी जान। तो भाई साहब फाइनली पहुंच चुके घर और प्रदीप भाई तो छोड़ के गया अभी अभी जस्ट। और ये देखो मैं आता हूँ फिर ना, अपनी जो बिल्ली है ये माऊ माऊ करने लगती है, और उधर जो कालू है, कालू अरे ये देखो कालू जो है भाऊ भाऊ करने लगता है, और ये जो है माऊ माऊ करने लगती है भाई, माऊ माऊ ये देखो। और ये देखो अपना सब कैरेट में थोड़ा सा भाटा और बैगन बच गया है। सीधा मैं आता हूँ ना जब मार्केट से डायरेक्ट अपने रूम के अंदर ही आता हूँ भाई साहब। आज जो है मैं कितने का सामान लेके गया था और कितने रुपए का सेल किया उसको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा सामान लेके गया था भाई जिसको कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। पहले खाना खाने जा रहा हूँ, अभी खाना खा ले रहा हूँ, फिर खाना खाने के बाद आप लोग को बताता हूँ आराम से कि कितने का सब्जी लाया था और कितने का सेल हुआ है। देख सकते हैं आज तो अच्छा खासा मार्केट था, तो सेल मतलब बहुत दिन बाद इतना ज्यादा सब्जी जो है मैं बेचा हूँ इतने ज्यादा रुपए का। खाना खा के आने के बाद मिलते हैं आप लोग से। तो गाइस अभी रात के 10 बजने हैं और खाना खाने के बाद मैं गया था थोड़ा सा बाहर, एक फ्रेंड का बर्थडे था भाई का, तो वहाँ से आ रहा हूँ। देखो केक भी लग गया यार शर्ट में, टी शर्ट में। तो भाई अब अपन बात करते हैं कि आज जो सब्जी लेके गया था मैं, और यार ये प्रॉफिट मतलब मैं कैसे अर्न कर पाया। तो देख सकते मार्केट डेली का डाउन चल रहा था, कल पिछले वाले ब्लॉग में देखा कल बारिश हुआ था, और आज भी चांसेस था, सुबह से मौसम खराब था तो बारिश हो जा करके। लेकिन ये सब चीज़ को साइड में रख के मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, 5000 से ऊपर का इन्वेस्टमेंट किया, और भाई देखो रिटर्न में क्या मिला अपने को, इतना अच्छा प्रॉफिट, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है मेरे लिए। क्योंकि भाई लगभग एक महीना हो गया था मैं 250-300-400 उससे ज़्यादा नहीं अर्न कर पा रहा था, लेकिन आज भाई फाइनली बहुत बढ़िया प्रॉफिट अर्न किया। तो बस मोटिवेशन के लिए इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। और गाइस देखो हम लोग ना लाइफ में भी जैसे रिस्क नहीं लेते, डरते रहते, जैसे मैं भी अगर डरते रहता भाई सब्जी इतना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मार्केट अच्छा नहीं चल रहा करके, तो मैं भी इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं ले पाता। इसलिए आप लोग भी अगर मेरी वीडियोस देखते हैं और कुछ भी करते हैं तो जिंदगी में ना रिस्क लेने से बिल्कुल ना डरे, रिस्क ले और जो भी आपका मन करे ना उसको एक बार ट्राई करके जरूर देखो, भले ही आप फेल हो जाओ। जैसे कि मैंने अभी बीच में ट्राई किया, होलसेल में मेरा बेचने का मन था तो होलसेल में बेचा, लेकिन मेरे को लगा प्रॉफिट उसमें उतना अच्छा नहीं हो रहा है तो बंद कर दिया अभी। तो भाई रिस्क लेने से कभी पीछे मत हटो, रिस्क लो और आगे बढ़ो भाई, क्योंकि जहाँ इश्क है वहाँ रिस्क है। तो भाई सब सब्जी मैं लेके गया था टोटल, आप लोग को बता रहा हूँ टोटल मैं सब्जी लेके गया था 5147 रुपये का सब्जी लेके गया था, और उसमें 150 रुपये प्रदीप भाई का भाड़ा, मतलब कि अपना बन जाता है 5297 रुपये, मतलब कि 5300 मान लेते भाई। तो 5300 की सब्जी लेके गया था आज बेचने के लिए, और यार 5300 की सब्जियों को मैंने गिन लिया है कितने का बेचा है ये देख सकते हैं। पहली बार मतलब बहुत दिन बाद, पहली बार नहीं बोल सकता क्योंकि कई बार हुआ है, लेकिन बहुत दिन बाद लगभग एक महीने के बाद मेरे को इतना सारा मतलब धंधा हुआ है भाई साहब। इतना अच्छा मार्केट था कि क्या ही बोलूं। और ये जो पैसा है ना भाई ये है 6120 रुपये, मतलब गाइस आज ना मार्केट इतना अच्छा था कि 5300 के सामान को मैंने 6120 रुपये का बेचा। अब आप लोग प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं कितने का हुआ करके, उसको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कैसा लगा उसको कमेंट जरूर करना, और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते फिर आप लोग से एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़। चलो चलते हैं भाई साहब रेट उट पता करते हैं, और बात भी प्यार दो भैया। चलो मेरे भाई।